आप ये जो कचौड़ी खा रही हो तो टेस्ट के बारे में थोड़ा बताओ। एक्चुअली मैं ये सेकेंड टाइम आ रही हूँ, मतलब मेरा चैनल भी है और मैं फूड ब्लॉगर भी हूँ, तो मैंने बहुत सुना कोलकाता में कि भाई ये जो है ना यहाँ की कचौड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो मैं जब सूट करने आई थी तभी मैंने टेस्ट किया था और ये मैं खा रही हूँ दोबारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ये सच में टेस्टी है। इनकी कचौड़ियाँ बहुत यूनिक होती हैं, बाकी कचौड़ियों की तरह नहीं है, क्योंकि ये मूंग की दाल की कचौड़ियाँ होती हैं। नहीं, उड़द दाल की होती है। उड़द की होती हैं? अच्छा, उड़द की होती हैं। आज की वीडियो में आप देखोगे ओरिजिनल छंगानी विजय वंडर वर्सेस फेक छंगानी विजय वंडर। क्या दिखाएंगे? ओरिजिनल छंगानी विजय वंडर की कचौरी जो है उसके साथ कंपेयर करेंगे जो फेक छंगानी क्लाप कचौरी। तो आप उधर थोड़ा सा आगे जाओगे ना, आपको एक भीड़ दिख जाएगा, तो सर वही है ओरिजिनल छंगानी विजय वंडर, और जो फेक वाला है मतलब नए वाला है वो हमारे लेफ्ट में है। लेफ्ट में एकदम कलाकार स्ट्रीट के ऊपर देखो वो जो छोटा सा दुकान है छंगानी पप्पी महाराज क्लब कचौरी वाले। तो चलो जल्दी से फटाफट जो है वीडियो करते शुरू, लेते हैं कचौरी और काम को करते हैं तमाम। तो यहाँ का चक्कर ये है ना कि आपको यहाँ पर लाइन देना पड़ेगा, ठीक है, लाइन देकर आपको यहाँ से खाना लेना पड़ेगा सर, ठीक है। दादा एक प्लेट लगवा दो। वेट तो सर आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, आप कोई भी हो कोई बात नहीं। बस गणेश भगवान का चार बजे उठाइए और मैं बिया डालिए। तो मैं देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, पास आओ। यहाँ पर चार कचौरी मिलेगा, क्लब कचौरी, भुजिया और सब्जी, आलू का सब्जी। तो चलो इसको करते हैं ट्राई, लेकिन उससे पहले इसको पहले फोड़ते हैं। क्रिस्पी है और क्या है कि अंदर में कुछ स्टफिंग है वो आप देख लो एक बार। जो उड़द दाल है ना उससे स्टफ किया जाता है, और जो काले हम लोग बोलते हैं काला जीरा वो भी डाला हुआ है। चलो थोड़ा सा ट्राई करते हैं, पहले भुजिया, आलू का सब्जी और ये कचौड़ी। मज़ेदार तो है भाई, नमकीन है, कचौड़ी बहुत यू नो क्रंची है। तो हमारे साउथ कोलकाता में जो कचौड़ी मिलते हैं ना वो इतना क्रंची नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत क्रंची है। चलो और एक बाइट लेते हैं। मसालेदार और थोड़ा ऑयली है, यू नो सही है, थोड़ा स्पाइसी भी खाना है। खा सकते हो, तो भैया ओरिजिनल छंगानी विजय वंडर का तो कचौरी हमने खा लिए। तो अभी जो है सेकंड शॉप में आए हैं यहाँ का कचौरी खाने के लिए। मॉर्निंग, आइए, वेलकम। आपका शुभ नाम एक बार बताइए। मेरा नाम है संजय छंगानी। आपकी ये दुकान का नाम एक बार बताइए। मेरी दुकान का नाम है छंगानी पप्पी महाराज, जो मेरे पिताजी के नाम पे है, पप्पी उनका नाम है। यहाँ पे देखिए हमारा फेमस आइटम है क्लब कचौड़ी, जो यहाँ पे सुबह हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 6:30 बजे, जो रोज 11:30 बजे तक आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में अवेलेबल मिलेगा। एकदम गर्मा गर्म आपको खाना है, आप आइए, गर्म गर्म हम लोग सर्व करते हैं सुबह। और बाकी दिन में यहाँ पे जैसे खस्ता कचौड़ी, समोसा, गर्म आइटम में ये बेलवा कचौड़ी ये अवेलेबल रहती है। केसैया जलेबी 8 रुपये पीस है यहाँ पे। ये है क्लब कचौड़ी, 36 रुपये की प्लेट है, एक प्लेट में 4 पीस आती है। ये समोसा 8 रुपया पीस है। ये भी ये सब्जी है हमारी स्पेशल, जो मेन खासियत है वो इसी के अंदर में है, आप अगर खाओगे तो ये आप बताओगे। लगवाइए एक प्लेट। चलिए ये है सब्जी। इधर भीड़ भाड़ जो है थोड़ा सा कम आपको मिलेगा, जगह एकदम ओपन रोड साइड,
धनिया आप हर एक प्लेट में डालते हो ना? धनिया देते हैं, सब्जी में भी धनिया देते हैं। बहुत बढ़िया। जब महंगा आता है तब भी करते हो क्या? एकदम एकदम एकदम। चलिए, इसका प्राइसिंग कितना है? ये आपका चार प्लेट का, चार पीस का हुआ, एक प्लेट 36 रुपये। 36 रुपये। चलिए, तो ये टोटल है 36 रुपये का प्लेट। चलो इसको टेस्ट करते हैं। एकदम गर्मा गर्म गुलाब कचौरी। एक बात तो भाई सही है यहाँ का कि वो आँखों के सामने तल के आपको सर्व किया जाता है इधर, और उधर में ना पुराना वाले में क्या सीन है, आपको पीछे से यू नो जगह है, कारखाना है, वहाँ से रेडी होकर आते हैं। यार ये सच में बहुत अच्छा है भाई, भुजिया बहुत टेस्टी है। वाओ, पता नहीं यार, आप हमसे ना एग्री शायद नहीं करोगे, लेकिन मुझे यू नो अच्छा लग रहा है, ये पुराने छगानी से भी बहुत बढ़िया लग रहा है ये। इसका की पॉइंट जो है, मैजिकल पॉइंट जो है वो ये भुजिया बहुत टेस्टी है, और ये कचौरी भी बहुत टेस्टी है, नो बहुत ही क्रंची गर्मा गर्म, बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो मेरा रिकमेंडेशन जो है, आप यदि आपकी इच्छा है यू नो कुछ बेटर यू नो टेस्ट लेने का, तो आप इधर आ सकते हो, ये छगानी पप्पू महाराज के पास। ये मुझे बेटर लगा, आपका कचौरी सब्जी भुजिया मुझे बेटर लगा, एकदम 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 मुझे बहुत ही बेटर लगा। तो पता नहीं, बहुत लोग डिस एग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो टेस्ट है, टेस्ट बार्ड है, उसमें आपका बहुत अच्छा लगा। तो कंक्लूशन भाई यही है, यदि थोड़ा सा यू नो अच्छा बेस्ट क्वालिटी का यू नो अच्छा क्वालिटी का क्लब कचौरी आपको खाना है वेज में यू नो बीकानेर स्टाइल में, तो आपको यार जो नया दुकान है, नया मतलब क्या है हम खोल के बताते हैं, इन लोगों का थर्ड जनरेशन चल रहा है स्ट्रीट में, अभी भी दुकान स्टॉल है पास ही में है, लेकिन आप ये दुकान एक साल से इसको ओपन किया है, ठीक है भाई, यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप यदि उनका फ़ैन हो तो वहाँ पर भी टेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ का कचौरी है कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा स्वाद था, सब चीज़ का स्वाद बहुत अच्छा था, स्पेशली सब्जी कचौड़ी और साथ में जलेबी, सबका स्वाद बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत। भाई बताओ टेस्ट कैसा है भाई? जिनका टेस्ट है ना काफ़ी अच्छा है, सब्जी है ना, जो भी सब्जी है ना काफ़ी अलग है, मतलब मसाले इतने भर भर के डाल रखे हैं, जितने चाहिए उतने डाल रखे हैं, क्योंकि जो भुजिया काफ़ी क्रंची है, काफ़ी अच्छा लगा। और प्राइस क्या है इनका? प्राइस भी कम है, 36 रुपये। 36 रुपये और वो 40 रुपये है। मैं ये नहीं कह रहा वो बेकार है, नहीं नहीं बेकार तो नहीं है, वो भी अच्छा है, लेकिन उससे इसका टेस्ट बहुत बेटर लगा। मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी जो आपका होगा वो अलग है। हाँ एकदम एकदम, यहाँ पे आओ और ट्राई करो और चैनल को फॉलो करो हमारे, क्या देखोगे क्या देखो सही बात। तो चलो आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हमने कर दिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टाटा बाय बाय जय हिंद।